हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियाँ। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मारवाड़ी का प्रयोग करते हुए फार्मूलों के साथ में इसको आपको याद करवाया जाए। तो साथियों, लोक देवियों की बात करें तो भारत की संस्कृति इतनी महान रही है कि प्रत्येक नारी को देवी के रूप में माना गया है। यत्र नारीस्तु पूजयन्ति की परंपरा अपनी रही है। तो इसी सिलसिले में जिन भी महिलाओं के या कन्याओं के द्वारा कोई नेक कार्य हुआ, अच्छा कार्य हुआ, चमत्कारी कार्य हुआ, वहाँ उसकी देवी के रूप में स्थापना हो गई। और राजस्थान में शक्तिपीठ रहा है, राजस्थान शक्ति की पूजा यहाँ रही है, शाक्त धर्म का प्रभाव रहा है। तो बहुत सारे राजवंश हैं जिनकी भी कुल देवी और आराध्य देवी अलग अलग या साथ में मानी गई है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं, एक नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा आई माता। आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है, जोधपुर में। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ एक दीपक जलता उसके पास से केसर टपकती रहती है, इसलिए इस मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है। इसके मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है। अब देखो आई माता कैसे याद रखना, आपको याद रखा भी जोधपुर आई, ठीक है, जोधपुर आई। थोड़ी मजाक की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि सलमान खान को किसी ने कहा जोधपुर आई। आवड़ माता इंगलाज सवानिया टेमरा, ये एक ही देवी के रूप में जैसलमेर, देखो जैसलमेर जाते हैं दौरे दौरे तो अपन बोलते हैं कि जैसलमेर में आवड़ तो नहीं, तो जैसलमेर में है आवड़ माता। अब आवड़ अपने जरा कहीं करा जाम कोई है कि बैठे बैठा सुगन चीड़ी है देखकर, तो आवड़ माता की जो वाहन है वो मानी गई है सुगन चीड़ी। आवड़ माता की वाहन सुगन चीड़ी को माना गया है। और इसी का दूसरा रूप है हिंगलाज। हिंगलाज को चारों की कुल देवी के रूप में भी माना जाता है। सवांगिया माता, इन्हीं का दूसरा रूप है सवांगिया। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने दुश्मनों से इस देवी ने भला छीन लिया था और स्वांग यदि मुड़ गया था तो इनका नाम पड़ गया सवांगिया। और तेमड़ा ताई भी बोलते हैं, इन्हीं का रूप है जैसलमेर में है तेमड़ा ताई। तेमड़ा पर्वत पर इनका मंदिर है, इन्होंने तपस्या की तेमड़ा पत्थर पर, इसलिए इनको तेमड़ा ताई भी कहते हैं। तो साथियों आवड़ हिंगलाज सवांगिया तेमड़ा सभी का मंदिर मुख्यालय कहाँ जैसलमेर। अक्सर प्रश्न देवियों का या तो जिले का पूछा जाता है या फिर कोई खास बात जैसे मान लीजिए केसर है या दरगाह है, इस प्रकार की कोई खास बात पूछी जाती है। एग्जाम में पूछा गया था सुगन चीड़ी किसका वाहन है, तो आवड़ माता का माना गया है। अगली बात करते हैं कन्नौट की, तो साथ ही ये कन्नौट का जो मंदिर है वो भी जैसलमेर में है, जैसलमेर कन्नौट। और इसमें भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जब भारत पर हमला हुआ 1965 की गदर की लड़ाई, तो इस मंदिर पर आसपास बमबारी तो मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा, तो चमत्कारी मंदिर है ये। और ये विजय दिलाने वाला मंदिर है, तो सैनिकों का जो है एक तरह से आराध्य देवी इसकी मानी गई है। और ये जो मंदिर है इसको थार मरुस्थल का वैष्णो देवी भी कहा जाता है। कन्नौट माता को वैष्णो देवी भी कहा जाता है थार की। कन्नौट माता ने सीना जो सैनिक थे उन्होंने सीना तान के और पाकिस्तान के लोगों से उनको लोहे के चक्के चलवाए। शीतला माता जो है, शीतला माता अपने जयपुर में है इनका मंदिर, जयपुर में चार है। अपने बासवाड़ा आता है, बासवाड़ा जिसमें पहले दिन भोजन बनाकर ठंडा भोजन को सर्दिन किया जाता है, तो ये सर्दी के जाने और गर्मी के आगमन का सूचक है। तो चैत्र में होली के दस्ट बाद जो अष्टमी आती है चैत्र अष्टमी, तो उसको बासवाड़ा मनाया जाता है, तो वो शीतलाष्टमी के याद में मनाया जाता है। शीतलाष्टमी का मंदिर जयपुर में है और इनका दूसरा मंदिर है वो जोधपुर में। जोधपुर में एक बार किसी घटनावश इनकी मूर्ति खंडित हो गई थी, इसलिए खंडित मूर्ति की पूजा होती है वो देवी है शीतला माता। अगला है आशापुरी। आशापुरी जो है वो जालोर आप
ज्ञान दीजिए जा आशा पूरी हो जाएगी, जालो जा आशा पूरी हो जाएगी। तो जालोर जो है जालोर, जालोर में आशा पूरी माता का मंदिर है। इनको महोदरी यानी गणेश जी की तरह मतलब उदर जिसका बड़ा हो, तो महोदरी गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है। तो महोदरी माता का मंदिर या महोदरी माता का मंदिर या आशापुरी एक ही गांव है जालोर। ये जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। केला देवी आप सब जानते हैं, करौली, करौली की जो यादव है उनकी कुल देवी है। यहाँ की खास बात लांगोनिया की, ये परसों एग्जाम में कुछ सैकड़ों बार पूछा गया है लांगोरिया। तो देखो लांगोरिया मतलब ये नहीं कि बिहार सोचे कि भी क्या है लांगोरिया। तो वहां मंदिर में प्रवेश करते समय हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी का वाहन लंगोर माना जाता है। तो वहां पे मीणा और गुर्जर भक्तों के द्वारा लांगोरिया नृत्य किया जाता है, लांगोरिया गीत गाया जाता है। तो लांगोरिया नृत्य और गीत जो है वो केला देवी के मंदिर में होता है। आप याद रखें केला देवी करौली, इनका मेला लक्ष्मी मेला है, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। दूसरी बात आप ये भी ध्यान में रखें, इन देवियों का अधिकांश देवियों का मेला साल में दो बार लगता है, क्योंकि दो बार नवरात्र आते हैं तो दो बार इनका मेला लगेगा। नवरात्र चैत्र मास में आ जाएंगे, अश्विन में आ जाएंगे, शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक, तो दोनों नवरात्र में इनका मेला लगता है अक्सर अधिकांश देवियों का। करणी माता को नहीं जानता, करणी माता का मंदिर बीकानेर में है, बीकानेर में देश मोक में नौका तहसील में। ये बीकानेर के राठौर वंश की कुल देवी मानी जाती है, बीकानेर के संस्थापक राव बीकानेर इनके आशीर्वाद से बीकानेर को बसाया। और सफेद चूहे यानी इस मंदिर को चूहों वाली देवी भी कहते हैं, सफेद चूहा को काबा कहा जाता है। सफेद चूहे के दर्शन बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। और एक चीज आपको याद रखें, सफेद चील जो है वो करणी माता का ही वाहन माना जाता है। आसमान में सफेद चील, सफेद चूहा, बीकानेर करणी माता याद रखें। अगला है जीव माता, जीव माता का जो मंदिर है वो है शिवकर, सब जानते हैं पावन ऊर्जा का संयंत्र भी है यहाँ पे। तो जीव माता जो है वो शिवकर और इसके आसपास के जो चौहान थे उनकी कुल देवी मानी जाती है। यहीं पे इनका भाई हर्ष का मंदिर है, हर्ष का जो मंदिर है वो भूल प्रथम ने बनाया था। जीव माता, जीव माता का गीत आप ध्यान रखें, इनका जो गीत है वो सबसे लंबा माना जाता है। ये प्रश्न आदेश पर एग्जाम में पूछा जा चुका है, जीव माता का गीत सबसे लंबा माना जाता है। रानी सती यह है झुंझुनू, देखो इसको याद रखने के लिए आप ध्यान में रखें, झुंझुनू के राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सैनिक है वो देश में सेवा कर रहे हैं, तो शहीद भी झुंझुनू के ज्यादा होते हैं। तो ये रानी सती, सती भी कहा कि हुई झुंझुनू की हुई रानी सती। इनका मूल नाम था नारायणी, नारायणी, तो ये नारायणी देवी नाम था। और रानी सती का मंदिर जो है वो झुंझुनू में। आगे है सकराई माता, इनका मंदिर भी शिखर में है। ये भी यहाँ जो है सांभर, सांभर माता का ही दूसरा रूप है, शाकंभरी माता का ही दूसरा रूप। शाकंभरी का मंदिर आप ध्यान में रखें, शाकंभरी ये जो है चौहानों की सिकज, सांभर के चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी माता। और इनका मंदिर जो है वो सांभर झील के पास में स्थित है। सात सब्जी देने वाली देवी मानी जाती है ये, सात सब्जी देने वाली। सचियाय माता, सचियाय माता का मंदिर है ओसिया, ओसिया है जोधपुर में। और ये ओस वालों, ओसवाल बड़ियों की कुल देवी मानी गई है सचियाय माता, सचियाय माता। आगे हम बात करते हैं सुंदा माता, इनका मंदिर है जालोर में, जालोर में सुगंधा पर्वत है उसके ऊपर इनका बना हुआ मंदिर है सुंदा माता का। यहाँ पे राजस्थान का पहला रोप वे भी बनाया गया था। रोप वे आप लोग जानते होंगे,
कि जैसे इसमें पहाड़ी पर, मान लीजिए पहाड़ी पर मंदिर है, तो इस मंदिर पर पहुंचने के लिए यहाँ से वो इस तरह से खम्भे पर तार फिट किए जाते हैं, उसमें फिर अलग अलग ऐसे ट्रॉले होते हैं, तो इनके माध्यम से सीधा ऊपर चढ़ा जाता है। काफी एडवेंचर नजारा होता है। अक्सर हम देखा जाता है कि जब हम लोग चढ़ते हैं तो चढ़ते समय तो ऐसे अच्छी मजाक के साथ बातें करते हैं, जैसे ऊंचे ऊपर जाते हैं माता जी के जयकारों के साथ आसमान घूमने लगता है, क्योंकि माहौल बहुत ही रोमांचक। और अगर हम देखें कि एक चारों ओर गहरी घाटियां खाई की वजह से एक भक्ति भावना और एक सुरक्षा की भावना के साथ ही जयकारे लगने लग जाते हैं, तो बहुत ही रोचक नजारा। आप जरूर इसका आनंद लें कभी माता जी के दर्शन करने जाना हो। तो सुंदा माता, इसके बाद में है पथवारी माता। इनका मंदिर कोई फिक्स जगह नहीं है। पथवारी, पथ यानी रास्ता, रास्ते की रक्षा करने वाली। तो गांव के बाहर, गांव के बाहर किसी खेजड़े, खेजड़ी या पीपल के वृक्ष के नीचे इनका मंदिर बनाया जाता है। और गांव से जब बाहर जाते हैं किसी दूसरी यात्रा पे, तो इनके मंदिर के दर्शन करके गाए जाते हैं। सुगारी माता, ये आउवा के चंपावत, आउवा के चंपावत की कुल देवी थी। चंपावत जो आउवा के ठाकुर थे उनकी, तो 1897 क्रांति के दौरान अंग्रेजों को इन्होंने बहुत पूरी तरह से पराजित किया इसी देवी के आशीर्वाद से। इनके ये माना गया 10 सिर और 54 हाथ इनके माने गए। तो आप कैसे याद रखे मारवाड़ी में कि अंग्रेजों ने सुगला कुटा हुआ ठाकुर प्रसाद सिंह, सुगला मारा जब सुगाली माता के आशीर्वाद से। तो फिर अंग्रेजों ने जब बड़ी फौज लेके आए और फिर उन्होंने वापस बदले की भावना से इस मंदिर को तहस नहस कर दिया और उसकी मूर्ति को अजमेर ले आए। उसके बाद में ब्राह्मणी माता, इनका मंदिर है 12 में जगह है। सोरसम गांव है। सोरसम यहाँ पे गोडावण पक्षी भी पाया जाता है सोरसम गांव में। तो मित्रों साथियों, 12 जिले में ब्राह्मणी माता का मंदिर है। इसकी खास बात इस मंदिर की कि देवी की जो पीठ है, देवी की पीठ की पूजा की जाती है। बाकी मंदिर में तो सामने पूजा करते हैं, उसमें पीठ की जो है पूजा होती है। तो देखो इस प्रकार का मंदिर है, अपना बाहर है तो 12 हो गया। ये जानवर हो गया इधर, और यहाँ पे हम बात करें सुगाली माता, पाली में हो गया पाली, और पथवारी माता जगह जगह, सुंदर माता, ब्राह्मणी माता, अभी हम देखो नक्शे में देख लेते हैं जोधपुर में जीतानी, सतराय माता, सिंगर रानी सती झुंझुनू, उसके बाद में करणी माता बीकानेर, केला देवी करौली, और करौली उसके बाद में आशापुरी ये जालौर, उसके बाद में शीतला माता जयपुर, कन्नौर जैसलमेर, आवड़ हिंगला जैसलमेर, आई माता जोधपुर ये जोधपुर। तो इस तरह से साथियों बैठ के हिसाब से अब हम बात करते हैं जिलानी माता की। जिलानी माता का मंदिर है अलवर में, जिलानी माता। तो ये जो जिलानी माता है, ये जिलानी गुजरी थी, इनका नाम जिलानी गुजरी था। तो इसने धर्म परिवर्तित होने से कुछ बचाया, लोगों को बचाया, तो इस वजह से वो बहरोड क्षेत्र, अलवर में है बहरोड, बहरोड क्षेत्र की ये कुल देवी है। और जिलानी हम याद रखने के लिए आप देखो अलवर ना तो वर, वर को जिला दिया, अपना मारवाड़ी क्या गलत जिया दियो, तो वर को जिला दिया। और ऐसे ही आप वर से याद कर याद कर सकते हैं कि वर तम्बाकू खाता है, अलवर में तम्बाकू ज्यादा होती है। ऐसे ही आप वर से याद कर सकते हैं अलवर में कि अलवर में जो है वो अलिबक्षी ख्याल अलवर में है, तो वर को बख्श दो। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं अलवर की चित्रकला से लेके कलाकारों में कि वर को बक्सा दिया दहेज में या गिफ्ट में। तो बक्से में जमुना दास और नंदू भी गए, तो नंदराम जमुना दास बक्सा राम ऐसे चित्रकार वो भी अलवर में है। तो आप ऐसे कुछ फार्मूले बना के अगर आप याद रखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जिले तो है 3300 पर समय हजारों। तो आगे देखिए बड़ली माता, बड़ली माता का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में बड़ली माता, चित्तौड़गढ़ में लटियाला माता, जैसलमेर में है लोतरवा,
यहाँ पे है बटियाला माता, मोगरवा की राजकुमारी भी प्रसिद्ध है। नारायणी माता अलवर में है इनका मंदिर, और ये नाई समाज की कुल देवी है, नाइयों की कुल देवी मानी जाती है नारायणी माता। नारायणी माता में जो नारायणी माता इसका विवाह हुआ था, तो ये जब अपने जा रही थी ससुराल, तो रास्ते में इसका पति जो है वो सर्पदंश से मृत्यु हो गई, तो नारायणी ने धैर्य रखते हुए और उसकी चिता जलाई, तो उसको लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करने में एक मीणा चरवाहे ने भी मदद की, तो फिर चिता के साथ ही खुद भी सती हो गई, तो वे एक तरह से लोक देवी के रूप में मान्य हो गई। तो नाई समाज की आराध्य देवी मानी जाती है। देखो नारायण नाई, नाई नारायण, नारायण नाई, परंतु मीणा जो है, तो मीणा यहाँ पे पुजारी जो है वो मीणा होते हैं, मंदिर में पुजारी मीणा होता है और नाइयों की आराध्य देवी है, तो मीणा और पुजारी के बीच, मीणा और नाइयों के बीच विवाद भी हो गया था मंदिर के वो हकदारी को लेके, और ये कोर्ट में भी मामला चला गया। अगली बात है केवल माता, केवल माता का जो मंदिर है वो है राज समंद में, राज समंद झील के किनारे। तो इसमें ऐसा हुआ था कि जब राज समंद झील का शिलान्यास, जो लोग शिलान्यास हुआ, तो उसकी चट्टान को रखने के लिए, अपने कहते ना पाया भरने के लिए, राजा जी ने आदेश दिया कि ऐसी कोई पवित्र लड़की लाओ जिसके बाएं आंख के नीचे गाल के ऊपर काला दिल, इसके सब डिमांड थी। तो ऐसा ढूंढा गया और घेवर नाम की कोई लड़की जो है वो मानी गई, उसकी पवित्रता से जो है वो झील का लोकार्पण हुआ और कार्य सफल रहा। तो ये जो है सती होगी वहां पे केवल माता झील के पास ही, तो बिना पति के, तो बिना पति के सती होने वाले ये देवी है केवल माता। तो घेवर माता का मंदिर राजसमंद, तो आप ऐसे याद रखिए, राजसमंद झील बनाई और लोगों को मिठाई के रूप में घेवर बन के, आप ऐसे याद रख सकते हैं। शिला अन्नपूर्णा, तो शिला देवी का नाम अन्नपूर्णा है, तो आप इसको याद रखिए कि शिला जो है चट्टान, शिला पे अपन अन्न पीसते हैं, तो आप इसे याद रखिए शिला देवी का नाम अन्नपूर्णा है। देखिए वैसे देवी है मगर अपन याद रखने के लिए थोड़ी चीज को ट्रिक में ले रहे हैं, बाकी संध्या का विषय आप सोने था ले लें। शिला, तो शिला देवी जो है अन्नपूर्णा जी का मंदिर है जयपुर में आमेर में, और महाराजा मानसिंह प्रथम कछुआ वंश के, वो शिला देवी की मूर्ति जब बंगाल अभियान पे गए तो राजा केदार से वहां से लाए थे ये मूर्ति और यहाँ पे मंदिर बनाया था शिला देवी अन्नपूर्णा। छींक माता, ये है जयपुर, देखिए जयपुर में अपने वीआईपी लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारे राजनीतिक स्तर, तो वहां अगर कोई छोटी छींक भी आती है सबको पता लग जाता है, तो आप याद रखिए छींक राजधानी जयपुर। छींच, छींच जो है ये है बांसवाड़ा, छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा। अंबिका माता का मंदिर जगत, ये भी आदिश्वरी में आया था, इम्पोर्टेंट चीज है ये, प्रश्न पूछा जाता है आप याद। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है, उदयपुर अल्लट ने इसको बनाया था, अल्लट, और ये जो है मंदिर इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, खजुराहो के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। खजुराहो के मंदिर पूरे विश्वभर में प्रसिद्ध है, हालांकि सपरिवार जो है जाने से बचना चाहिए। तो खजुराहो के जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में कंदेल शासकों के द्वारा बुंदेल खंड क्षेत्र में बनाए गए थे। इसी प्रकार के शिव जी के मंदिर अपने बाड़मेर में कीराणू में भी है, इसलिए कीराणू को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ऐसे छोटे मंदिर पारा में खंड देवरा में भी है, पारा में खंड देवरा, इसलिए इसको मिनी खजुराहो कहते हैं खंड देवरा को। और मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता का मंदिर खेड़ा देवी, देखो खेड़ा आपने खुला खेत गाड़ी उसको खेड़ा बोलते हैं, खेड़ खेड़ो, तो खेड़ो खेड़ा बना तो खेड़ो बेच दियो, तो खेड़ा खेड़ा जो है खेड़ा देवी, और या जैसे ढाणी, तो खेड़ा व ढाणी, खेड़ा और ढाणी की रक्षा करने वाली देवी जो है ये जगह जगह ढाणी ढाणी पथवारे की तरह कही भी हो सकती है। केवाई माता, केवाई माता जो है, केवाई माता है किंग स्थल,
तीन सदिया गांव है नागौर, यहां पे है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी जो है इसको तुलताई माता भी बोलते हैं। त्रिपुरा तीनों पुर अंतरिक्ष लोक धरती लोक पाताल लोक तीनों पुरों की सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी तुलताई माता इनका मंदिर है बांसवाड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप उसे याद रखें। त्रिपुरा सुंदरी वाला दधिमती, दधिमती माता जो है दादीच जो ब्राह्मण है दधीच की ऋषि ऋषि की संतान उन्हीं की कुल देवी जो है वो दधिमती है। इनका मंदिर है नागौर में। नागौर में गोठ मांगलोद में, नागौर में गोठ मांगलोद में इनका मंदिर है। चौथ माता, ये हमने चौथ माता राजस्थान में गांव गांव ढाणी ढाणी इनका चौथ के दिन व्रत किया जाता है, कहानी सुनाई जाती है, उसमें हाँ भरनी जरूरी मानी जाती है और ऐसा कहा भी जाता है कहानियों में किसी को हाँ नहीं भरे वो मेंढ काल जिया पानी में वो जड़ बोक रहे और मेंढ की ऐसे की हाँ भरे वापस जा। तो चौथ माता है, तो चौथ माता जो इनका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर इस क्षेत्र में। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। यहाँ पे सीसा दस्ता की खान भी है, आप ध्यान में रखें। पुष्कर वाहिनी जो है ये पुष्कर के जो पुष्करणा ब्राह्मण है, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी पुष्कर में पुष्कर वाहिनी देवी मानी जाती है। तो इस तरह से साथियों हमने 30 देवियां देखी हैं, अभी हम राजवंशों की देवियां भी हम और देखते हैं साथ में। अब हम राजवंशों की कुल देवियां देख लेते हैं। इनका प्रश्न भी जो है वो पूछा जाता है सीधा सीधा कई बार एग्जाम्स में। तो आप देखिए भाटियों, भाटी जैसलमेर में थे, तो जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी सवांगिया माता या उसी का रूप है आवड़ माता या फिर हिंगलाज माता या फिर तेमड़ा माता। तो सवांगिया इन्हें आप जो है आपके नाम याद रखे तीनों चालों। सोनगरा चौहान जालोर आशापुरी माता किसी का दूसरा नाम है बहोत्री या मोदरी माता। इसी तरह से मैं नाम लिख देता हूँ, इनकी है सवांगिया, इनकी है आशापुरी या महोदरी। यादव, यादव करौली में थे, करौली के यादवों की कुल देवी केला देवी। राठौर, राठौरों के दो शाखाएं थी बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर के राठौरों के जिनने बात की थी करणी माता और जोधपुर की है नागनेची माता, नागनेची माता। चौहान की कुल देवी जो है इसमें हम मानेंगे जीण माता, सांभर वाले चौहानों की होगी साकंबरी माता और जालौर के चौहानों की हो गई आशापुरी माता। आहुआ की सुगाली अभी हमने बात की थी, गुहिलों की देखो गुहिल उदयपुर में, उदयपुर में आदिवासी हो रहते थे वो बाण और चलाने में एक्सपर्ट होते थे, तो बाण माता, तो गुहिलों की बाण माता। बाणेश्वरी भी बोलते हैं, कंगारा राजपूत होते हैं जवाला माता, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कंगारा सर है जयपुर में हिस्ट्री के अच्छे फेमस लेक्चर है, जवाना माता जोगनेर जयपुर, ज्वाला माता जयपुर में जोगनेर खंगारों की कुल देवी। कछुआओं की कुल देवी आमेर के कछुआओं की कुल देवी है जमुआई माता और आराध्य देवी है अन्नपूर्णा, जिनकी का दूसरा नाम है शिला देवी। तो कछुआए जो है जयपुर वाले कछुआ राजपूत वंश का जमुआई माता की कुंड देवी और आराध्य देवी अन्नपूर्णा। देखिए कई बार तो स्पष्ट पूछ लेते हैं, कई बार स्पष्ट नहीं पूछे तो आप ऑप्शन देके अपना निर्णय लें, केवल ये पूछा तो आप रोक देंगे, ये पूछा तो आप ये अपने। तो इसमें अगली है सिडबी राजपूत होते हैं आई माता, आई माता मैंने भी आपको बताया था कहाँ आई जोधपुर आई, कैसे पत्ती है वहां पर है याद है ना आपको। परमार, परमारों की कुंड देवी जो है ये है अर्जुन माता। देखिए आबू प्रदेश है ना, आबू राजस्थान का कश्मीर आबू, तो आबू का पुराना नाम था अर्बुद, तो अर्बुद देवी का मंदिर आबू में है और परमारों का राज वहां पे रहा था, आपको ध्यान में होगा
राजपूतों की उत्पत्ति के स्रोत में अग्निवंश में जो यज्ञ हुआ था अबु पर्वत, तो परमार भी उन चार वंशों में एक है, तो परमारों की कुल देवी और कुल माता मानी गई है। इसी के साथ ही मित्रों ये जो देवियों का टॉपिक है ये पूरा होता है। करीब हमने 30 से 33 देवियों के हमने पढ़े, जिस तरह से 33 करोड़ देवी देवता उसी तरह से 33 देवियों का इसमें पढ़ा है, और पूरा यकीन है देवी की पूरी कृपा रहेगी, सभी देवियों की जय। बोलते हुए आप जो इस टॉपिक को पढ़े और निश्चित रूप से अगर देवी का कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आएगा। धन्यवाद।